नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC से बड़ी न्यूज़ आ रही है, और जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी है और ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण प्रवेक्षक 2018 की भर्ती थी, इससे संबंधित। क्योंकि वहाँ पर जो ज्ञापन दिया गया था, हम लोगों के द्वारा ही दिया गया था, जिसके बारे में मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड किया था। और मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दूं, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा लगभग 1000 या 500 अभ्यर्थी होंगे, तो जब हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था तो वहाँ पे जो रिंकी अग्रवाल जो उप सचिव हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, वहाँ पे उनसे मिलने के बाद ये पता चला कि कुछ कार्रवाई चल रही है, क्योंकि उन्होंने पहले एप्लीकेशन नहीं लिया और मैं खुद गया था और मेरे साथ दो लोग और थे। हो सकता है वह अभ्यर्थी भी वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी थे साथ में जाने के लिए, मगर ज़्यादा लोगों के ना जाने के कारण 2 से 3 लोग ही गए थे, ठीक। और काफ़ी अभ्यर्थी जो बाहर थे, बाद में उनको अवगत कराया था क्या हुआ अंदर, और जो हुआ था मैं आपको यहाँ पे शेयर साझा कर रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये पहले थ्रू मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या, किस कारण से यहाँ पे ये स्थगित की गई है भर्ती। क्योंकि फ्रेंड्स, ये भर्ती 2018 की है और इस पे एग्ज़ाम हो चुका था, जनवरी में हुआ था, 23 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स अभिलेख परीक्षण यानी कि रिजल्ट भी आ गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हम लोगों ने पहले इसका ज्ञापन दे चुके थे, एप्लीकेशन दे चुके थे आयोग में जाकर, कार्मिक विभाग में दीजिए। तो कार्मिक विभाग में इसका एप्लीकेशन दिए जाने के बाद तब भी कोई ना कार्रवाई इस पे हुई, और उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चालू कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे भर्ती थी लगभग 1953, आगे पीछे हो सकती हैं, इसे माइंड मत करिएगा, 1953 लगभग भर्तियाँ थी और लगभग 1400 अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट घोषित कर दिया गया था और बता दिया गया था कि इनका जो प्रमाण पत्र है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट दे दी गई थी, और जो COVID-19 यानी कि जो वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है, उससे पहले इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे थे। और देखिए कि यह भी अच्छी चीज़ है कि कोरोना के कारण ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्थगित हुआ है, और हम लोग ने जो मेहनत की उसका थोड़ा सा परिणाम अच्छा देखने को मिल रहा है, और ये मैं आशा करता हूँ कि इसमें और भी चीज़ें आपको सामने आती हुई दिखेंगी। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन किए थे, ऑब्जेक्शन ये था क्योंकि जो पेपर हुआ था, पेपर होने के बाद जो सॉफ्ट कॉपी होती है यानी कि जो PDF फॉर्मेट में लाइव की जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे, वो आफ्टर 24 आवर्स अपलोड की जाती है, और यहाँ पे 5 बजे एग्ज़ाम होने से पहले ही 4 बजे तक व्हाट्सएप पे पेपर वायरल होता है। तो ये जांच का विषय है कि जब पेपर मिलता नहीं है किसी अभ्यर्थी को, तो ये पेपर वायरल कैसे हो गया, और जो पेपर हमने प्रिंट आउट निकलवा के दिया था रिंकी अग्रवाल जी को, और उनसे बात भी मेरी खुद हुई थी, तो पहले तो उन्होंने मुझे घुमाने की कोशिश की कि ये तो कोई लड़का था, वो पेपर हॉल से लेके पेपर भाग गया, उसने फ़ोटो खींच दी खेत में जाके। मैंने कहा मैम, ये कार्टन है, जब आप फ़ोटो खींचें, आप लोगों के पास भी यदि फ़ोटो हो, क्योंकि मेरे पास तो अभी नहीं है, वो मिसप्लेस हो गई है, ठीक है, तो यदि हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें हमारा, ठीक है, स्टडी विद एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे आप मुझे साझा भी कर दें, क्योंकि हो सकता है आगे और भी काम आए, क्योंकि इसमें अब यदि एक्टिव हुई, अभी और भी बता रहा हूँ, पूरी डिटेल से आपको बात बताता चलता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। तब उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो कोई अभ्यर्थी था, वो लेके खेत में जाके इसकी फ़ोटो खींच ली, ठीक, तो फ़ोटो नहीं खींची थी, जब फ़ोटो खींची गई थी तो ये माननीय पेपर है, और इसके पीछे जो भी चीज़ें यानी जो पेपर जहाँ पे रखे जाते हैं, जिसे कहते हैं कार्टन यानी गत्ता, तो उनकी फ़ोटो भी आई थी जो सील किए जाते हैं, तो इससे ये प्रतीत हो रहा था कि जहाँ से पेपर बने हैं उस एजेंसी के द्वारा लीक किया गया है, या जो कर्मचारी जिसकी यहाँ पे पोस्टिंग थी उसके द्वारा ये कार्य किया गया है, उसकी संलिप्तता है इसमें। तो इन बातों पे मैंने बात की, तब उनके दिमाग में कुछ चीज़ें चढ़ी, तब उनके पास एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं थे, ना कोई भी गोलमोल बातें मुझसे नहीं कर पाई, और फिर मैंने कहा कि मैम, ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, यदि आपको एग्ज़ाम नहीं कराना है, क्या आप एग्ज़ाम पैसे कमाने के लिए करवाते हैं, यदि आपको जॉब नहीं देनी अपने ही लोगों को, मैंने तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि यदि आपको अपने लोगों को ही रखना है
तो ये एग्ज़ाम का ये जो आप डंडा फैला रखे हैं इसका कोई औचित्य नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें से अच्छी। हमने कहा ये मुझे मत समझाइए, ये राजनीतिकरण, मैं यहाँ पर राजनीति करने नहीं आया हूँ। सरकार कोई भी हो, सरकार आती जाती रहती है, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि सिस्टम नहीं सही होगा तो सरकार कोई भी आए उसे सही नहीं कर पाएगा। तो ये जांच का विषय है, यदि आपसे हो सके तो। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जिसने चोरी की उसी के पास आप कंप्लेन करने आए हैं, तो क्या ये यहाँ पे जांच हो पाएगी? तो आपको कार्मिक विभाग में जाना चाहिए। तो मेरे द्वारा एप्लीकेशन कार्मिक विभाग में दी गई और वही जो साचे थे प्रिंट आउट निकलवाए थे उनको भी वहाँ पर संलग्न किया गया। तो अंततः कुछ परिणाम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो 20 तारीख को आवश्यक सूचना आयोग के द्वारा दी गई है और यहाँ गन्ना प्रेक्षक ग्राम विकास अधिकारी का ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं कार्यक्रम आयोग की अगली सूची तक स्थगित किया गया है। क्योंकि यहाँ मार्च में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे थे 27 मार्च से। सूची है कि उत्तर प्रदेश शासन के गृह पुलिस अनुभाग 3 के आदेश संख्या, यहाँ देख सकते हैं SIT जाँच बैठी है इस पर, सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है, SIT जाँच। क्योंकि ये प्रकरण काफ़ी ऊँचे तक हम लोगों ने उठाया था, उसके बाद ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। 20 मार्च द्वारा लिखित परीक्षा हुई थी से संबंधित कतिपय शिकायतों के संबंध में SIT की जांच संस्थित की गई है। आयोग की बैठक जो कि 29 मई को हुई थी, इसकी भी अपडेट मेरे पास थी, परंतु मैंने आप लोगों को इससे अवगत नहीं कराया, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी हैं कमेंट करने ही आते हैं और ऊटपटांग कमेंट करते हैं। जो वीडियो मैंने डाला था, यदि मैं आपको वहाँ पर कमेंट दिखा दूँ तो आप लोग हंसेंगे। और मैंने साफ शब्दों में कहा था इसका जब परिणाम आएगा तब देख लीजिएगा क्या आता है वर्डिक्ट इसका, ठीक। तो जो वीडियो देख रहे हैं वो देख लें, मेरा मतलब यह नहीं है किसी की भी नौकरी लगे मगर सही तरीके से लगे, ठीक। तो 29 मई को बैठक हुई थी, शासन द्वारा SIT जांच स्थित किए जाने के दृष्टिगत प्रकरण में कोई भी अग्रेतर कार्रवाई जाँच पूर्ण हो जाने के उपरांत ही किया जाना उचित पाया गया है। आप देख सकते हैं नीचे, अतः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संस्थित SIT जांच व तत्क्रम में आयोग के निर्णय के अनुपालन में विज्ञापन संख्या के अंतर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण प्रवेक्षक प्रतियोगियात्मक परीक्षा 2018 से संबंधित अभिलेख सत्यापन व अंतिम परीक्षा पर घोषित किए जाने आदि की अग्रेतर कार्यवाही प्रकरण में SIT जांच पूर्ण होने तक स्थगित रहेगी। तो ये अभी जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन अभ्यर्थियों को चल रहे थे वो सब स्थगित कर दिए गए हैं। हो सकता है यदि SIT ने यहाँ पे संलिप्तता पाई और करप्शन हुआ होगा, भ्रष्टाचार हुआ होगा, तो ये भर्ती निरस्त भी हो सकती है और हो सकता है इसका री एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो री एग्ज़ाम हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है उन अभ्यर्थी के लिए जिन्होंने मेहनत की है। ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जिनका एक एक नंबर से रुका है, 1/2 माइनस मार्किंग के बाद कुछ अभ्यर्थी थे जिनके बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। तो क्या है ये सोचनी है, ठीक है, आप भी इस पे सोच सकते हैं। और आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए सभी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। वीडियो को साझा करें और आप स्टडी विद एक्सपीरियंस के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ से आप पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम को डाउनलोड करना है, उसके बाद जाएंगे सर्च बॉक्स में तो स्टडी विद एक्सपीरियंस जैसे ही डालेंगे वहाँ पे आपको आइकन आ जाएगा, उस आइकन पे आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी के लिए हमारे साथ वहाँ पे बातचीत भी कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें।